हनुमान जी का नाम याद आ गया, कल हम हनुमान जी के लिए यात्रा निकालेंगे और वो सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हो सकती है। कौन कौन आएगा कल, कौन कौन आएगा? ऐ जय श्री राम हम बोल लेंगे अपने आप, तुम चुप रहो, तुमसे अच्छा बोलते हम जो कह रहे पहले वो जवाब दो। कल कौन कौन आएगा हमारे संग यात्रा में, कौन कौन? अरे हाथ उठाओ ना मेरे, टाटा मत करो, ऊंचा उठाओ जैसे सबको दिखे, नीचे आगे पीछे सबको दिखना चाहिए कि हम सब या सिर्फ ज्यादा नहीं 1.5 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा 20 मिनट में हम पूरी करेंगे वो यात्रा। कौन कौन चलेगा? लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी गाड़ी भी चलेगी, तुम्हारा बाइक भी चलेगा, जो गाड़ी में है वो गाड़ी चलाएंगे, बाइक है वो बाइक चलाएंगे, और सभी गाड़ियों पे सभी पे केसरिया झंडा होगा। कैसा झंडा होगा? और कल यात्रा प्रारंभ करने से पहले हम यहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और जितने भी लोग मुझे आज YouTube पे सुन रहे हैं, आप लोग भी इस बात को आगे जाके प्रचारित कर दें कि कल सभी मंदिरों में लाउड स्पीकर जोर से चला के कम कल हनुमान चालीसा सुबह शाम और दोपहर 3 बार जरूर बजाएं, खूब लंबी आवाज करके 3 बार बजाना है, सुबह दोपहर और, जिससे पूरे भारत के सनातनी जाग जाएं कि कब तक सोते रहोगे, जागो तुम्हारा हनुमान तुम्हें जगा रहा है, अब सोने की बारी नहीं, अब जागने की बारी है, जागो उठो और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए सबको सनातनी बना डालो। कौन कौन मानेगा मेरे साथ, कौन कौन चलेगा? मैं एक बात बता रहा हूं सभी भारतीयों को, अपने धर्माचार्यों को स्ट्रांग करो, अपने धर्माचार्यों का पीछा करो, अपने आचार्यों का पीछा करो, अगर तुम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो, अगर तुम अपने सनातनियों को स्ट्रांग कर दोगे तो फिर भारत बदलते हुए देर नहीं लगेगी, भारत बदल जाएगा, विश्व गुरु बनेगा मेरा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन कौन कल मेरा साथ देगा बाबा, कौन कौन देगा साथ? पक्का? एक और निवेदन है, चलो आप सब तो एग्री हो गए, अपने गांव अपने घर से दो दो चार चार और ले आना, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, 1, 2, 4 जितने आ जाएं, सिर्फ इसलिए कहना कि जहां श्रीमद् भागवत कथा हो रही है हनुमान जी के लिए एक बहुत विशाल, आज तक हमारे जिले में ऐसी यात्रा नहीं निकली होगी जैसी यात्रा आज निकलने वाली है, तो हम सब मिलकर वहीं हनुमान जी का उत्सव मनाएंगे, और जाने की भी अड़बड़ी नहीं, भंडारा भी यही है, काय को रे यहां से माताएं भागती है, काय को बोल भोजन बनाना है, कुछ नहीं, घर वालों से कल कह देना माता हो सब जाके भोजन करना है, बोले हाँ तो हमारे संग चलो, आज या रात को कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनना रात को, हमारे संग चलो हनुमान जी की हाजिरी लगाओ, वहीं 6 बजे हम लोग निकलेंगे, सब आ जाना। दुकान बंद कर करके पहुंच जाते हैं, सिर्फ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हिंदू बनते हो, ये आखिरी पीढ़ी होगी अपने सनातन को बचाने के लिए प्रयास करने वालों की, अगर हम बचा गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। आर यू अग्री? पक्का? कल नो जल्दी, नो फास्ट, नो रनिंग, नो हाउस, ओनली मी एंड कथा एंड हनुमान जी का जन्मोत्सव। इसीलिए तो सारे संत यहां आए महाराष्ट्र में, आप जैसे अच्छे लोग हैं, आपको देख के बड़ी खुशी होती मुझे, किसी ने भी नहीं कहा नहीं आएंगे, सब कह रहे हम आएंगे, ऐसे ही भक्तों से भगवान प्रसन्न होता है। कल हम जजमान के यहां गए, जजमान ने एक बात बताई, बोले महाराज जिस दिन से कथा शुरू हुई है कथा के समय पे धूप नहीं निकलती, पता नहीं क्या कर दिया आपने, मैंने हमने नहीं किया, ठाकुर जी ने चमत्कार कर दिया है, मेरे ठाकुर को पता है कि भक्त आएंगे धूप में तो कष्ट होगा, इसलिए वो छांव कर देता है, और जब तक मैं घर से नहीं निकलता हूं खूब धूप रहती है, और जब मैं इधर आके बैठ रहे लाए
तो सूरज कह रहा है गुड बाय आई एम जा रहा है, और जब मैं फिर इधर से निकल रहा है तो तब सूरज उधर दिख रहा है मैं जा रहा है। ये किसकी कृपा है? आप भक्तों का प्रभाव है, गोविंद आपके ऊपर मेहरबान है, मेरा कृष्ण मेहरबान। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा।